हेलो एवरीवन, ग्रीन आई गार्डनिंग में आपका वेलकम है। मैं आपकी गार्डनर दोस्त। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो मैंने ऑनलाइन प्लांट मंगवाए थे एडेनियम के, उनकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी रिपोर्टिंग कैसे की है और किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग की जाती है एडेनियम प्लांट की। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा प्रैक्टिकल करके। देखिए, ये एडेनियम के प्लांट हैं जिन्हें मैंने फंजीसाइड में डिप करके रखा हुआ है। 15 मिनट के लिए आप इसे रख सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं रखिएगा, बस 10 से 15 मिनट तक ही इसे रखिएगा। और इसे सॉफ्ट ब्रश से इसकी सारी सॉइल आप निकाल दीजिए। स्प्रिट से अपने टूल्स को डिसइंफेक्ट करना नहीं भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। और ये देखिए, यहाँ पर रूट रॉट की प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैं कट करके निकालूंगी। जहाँ जहाँ भी आपको दिखे कि रूट रॉट हो रही है या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, आपको सारी रूट प्रूनिंग इस तरह से करनी है, रूट ट्रीटमेंट करना है फ्रेंड्स। और ये मैं थोड़ी सी ब्रांच को भी प्रून कर दूंगी ताकि इसमें नीचे से नई नई ब्रांचेस निकलें। इस तरह से ये ग्राफ्टेड प्लांट है, यहाँ से इसकी ग्राफ्टिंग की गई है, तो ये वहाँ से ये 3-4 ब्रांचेस निकली हैं। अब मैंने इसे कट किया है तो इसमें और भी ब्रांचेस नीचे से निकलेंगी, जिससे मेरा प्लांट बुशी बनेगा। जहाँ पे भी आपने कट किया है वहाँ पर फंजीसाइड लगाना नहीं भूलें। इस तरह से आपको अपने सारे एडेनियम के प्लांट को करना है। चलें, मैं जल्दी जल्दी आपको ये करके दिखाती हूँ। जब ये ड्राई आउट हो जाएंगे, जहाँ से मैंने कट किया है ड्राई आउट हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी ये प्लांट लेकर के। अभी मैं इन्हें किसी शेडी एरिया में रख दूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ 20 दिन के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे वही प्लांट हैं जिनकी मैंने रूट ट्रीटमेंट किया था और रूट प्रूनिंग की थी, ब्रांच प्रूनिंग की थी। अब ये लगाने के लिए तैयार हैं, इनकी रिपोर्टिंग करना है मुझे। देखिए, सब ड्राई आउट हो गए हैं, सूख गए हैं। जहाँ से भी कट किया था मैंने वहाँ पर बिल्कुल सूख जाना चाहिए। ये है सैंड इसके लिए, कोकोपीट सैंड, और ये है खंगर, ये चारकोल और ब्रिक्स। ब्रिक्स को भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके उसके पॉटिंग सॉइल में डाल सकते हैं एडेनियम के। तो ये देखिए, ये सारे प्लांट, अब मैं इनकी रिपोर्टिंग करती हूँ। बहुत अच्छे से ये ड्राई हो चुके हैं बिल्कुल, नीचे से जहाँ से कट किया था। ये देखिए, ये चलिए मैं इन्हें लगा देती हूँ। देखिए, मैंने नीचे छोटे छोटे ब्रिक्स के टुकड़े डाल रखे हैं, इन्हीं के ऊपर मैं सॉइल डाल करके और लगाऊंगी। ड्रेनेज
सिस्टम बहुत सही होना चाहिए एडेनियम प्लांट के लिए। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, ड्रेनेज होल खुला होना चाहिए और बहुत आसानी से पानी ड्रेन आउट होना चाहिए। जितनी जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगा प्लांट उतने हेल्दी रहेंगे। ये देखिए, अब मैं एक पॉट में, क्योंकि अभी ये छोटे हैं तो एक पॉट में मैं 3 प्लांट लगाऊंगी। नेक्स्ट ईयर मैं इन्हें अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। मुझे लग रहा है ये शायद छोटा है, साइज एक होना चाहिए प्लांट का, ताकि जब जो तीनों की ग्रोथ एक जैसी होगी तो टॉप पर जब फ्लावरिंग होगी तो एक साइज पे होगी तो अच्छा लगेगा देखने में। इस तरह से लगा लेने के बाद में ये सॉइल इसमें आपको डालना है। सॉइल में फंजीसाइड डालना नहीं भूलें, नीम खली भी आप डाल सकते हैं। एक पॉट में आप 10 ग्राम या 20 ग्राम नीम खली डाल सकते हैं। खंगर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है एडेनियम प्लांट में। खंगर से हमारे जो ये प्लांट हैं, इसमें अंदर रूट्स को एयर प्रोवाइड होती है खंगर से, ब्रिक्स से, और आप इसमें परलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं सॉइल निकाल दूँ, इसलिए निकाल रही हूँ कि इनका जो कोडेक्स है वो बहुत ज़्यादा सॉइल में दबना नहीं चाहिए। ये देखिए, मैंने ब्रिक्स के छोटे छोटे टुकड़े भी इसमें डाले हुए हैं जो आपको दिख रहे होंगे इस तरह से। ये देखिए, अब ठीक है, ये इस तरह से आपको लगाना है। और ये है फ्रेंड्स बोन मील, तो इसका यूज़ मैं ऊपर कर रही हूँ, सॉइल में मैंने इसे नहीं मिलाया है क्योंकि इसमें फंगल बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, तो इसलिए इसे मैं ऊपर ही सॉइल में डालती हूँ ताकि ये ऊपर से डिज़ोल्व हो करके और धीरे धीरे हमारे प्लांट को फास्फोरस प्रोवाइड करेगा। इसमें फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और एडेनियम को फास्फोरस बहुत पसंद होता है। बोन मील आप इसमें जब फ्लावरिंग टाइम हो तो आप इसमें डालते रहें, और इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है बोन मील फर्टिलाइज़र, इसे बहुत पसंद होता है। इसलिए मैं इस फर्टिलाइज़र को, फर्टिलाइज़र मैं ज़्यादातर सभी फर्टिलाइज़र में ऊपर ही डालती हूँ। बहुत थोड़ा बहुत मैं कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट सॉइल में मिलाती हूँ, अदरवाइज मैं ज़्यादातर ऊपर ही डालती हूँ। इससे हमारे प्लांट किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, बैक्टीरिया से बचे रहते हैं। ये देखिए, फर्स्ट टाइम आपको खूब अच्छे से इसमें पानी देना है, नीचे ड्रेन होल से पानी निकल जाए ऐसा आपको करना है। बहुत ही एयरी सॉइल इसे पसंद है। कंकड़ और खंगर होते हैं जो रूट्स को इसको एयर प्रोवाइड करते हैं, ऐसी सॉइल इसको पसंद होती है। सैंडी सॉइल आप कह सकते हैं, ब्रिक्स हैं, खंगर हैं, परलाइट है, चारकोल है, ये सब चीज़ें इसकी सॉइल में मिलाई जाती हैं। अब चलें, मैं जल्दी जल्दी दी और भी जो प्लांट हैं इनको भी लगा देती हूँ। तो
फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट या क्वारीज मुझे लिख भेजिएगा, मैं आपकी पूछी हुई वीडियो पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, अपने गार्डनिंग को एंजॉय करिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मेरी हर वीडियो की। देखिए इस तरह से इसमें लगा हुआ है फंजीसाइड, ऐसे लगाना नहीं भूलिएगा, इससे प्लांट हमारे सेफ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी। ओके, बाय बाय।